अध्यात्म की नगरी, तीर्थ नगरी तो पितरों की नगरी के नाम से भी मशहूर। अनूठा इतिहास समेटे हुए है महाभारत की धरती कुरुक्षेत्र का पेहोवा। पहले पेहोवा का नाम पृथदत्त था। यहाँ पर श्राद्ध पक्ष में पूरे देश से लाखों लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध व पिंडदान करने आते हैं। पेहोवा में करीब 200 पंडित हैं। इन पंडितों के पास पोथियों में 250 वर्ष पुराना वंशावलियों का रिकॉर्ड दर्ज है। यह पोथियां इतिहास की धरोहर हैं। पेहोवा के सरस्वती घाट पर पिंडदान होता है और उसके बाद पिंडदान करने वाले अपने पुरोहित के पास अपनी वंशावली और अपने पूर्वजों की ओर से किए गए हस्ताक्षरों का अवलोकन करते हैं। हम इस वक्त पेहोवा के सरस्वती घाट पर हैं। यहाँ पर जो है उत्तर भारत से लोग जो हैं अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पिंडदान की जो प्रक्रिया है यहाँ पूरी की जाती है। पुरोहित जो हैं वो जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कराती हैं। यहाँ पर एक सरोवर बना हुआ है जिसमें जो है पिंडदान करने आने वाले लोग जो हैं वो स्नान आदि करते हैं, और एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है जहाँ पर लोग जो हैं वो धागा बांधते हैं। इसको प्रेत पीपल का नाम दिया गया है। पेहोवा के अंदर जो खास बात यह है कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो हैं पुरोहित हैं, लगभग 100-150 के करीब पुरोहित यहाँ पर हैं, और जिनके पास लगभग 225 बरस पुराना जो इतिहास है जो पिंडदान करने आने वाले लोगों का वो दर्ज है। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और पिछले लगभग 2 से 2.5 सदियों से ये धार्मिक क्रियाक्रम और पिंडदान करने की प्रक्रिया यहाँ पेहोवा के सरस्वती घाट स्थल पर चलती आ रही है। खास बात यह है कि यहाँ की पोथियों में सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, महाराजा रणजीत सिंह जी, हिमाचल के नूरपुर राजा, नेपाल के राजवंशी के अलावा राज कपूर और सुनील दत्त जैसे सरीखे अभिनेताओं की भी वंशावली का रिकॉर्ड उपलब्ध है। यहाँ आकर आपको अनेक रोचक तथ्य जानने को मिलेंगे। यहाँ के एक पौरोहित मनमोहन चक्रपाणी ने हमें पोथियों को दिखाते हुए नेपाल के राजा की वंशावली का रिकॉर्ड दिखाया। एक रोचक बात भी उन्होंने बताई, उनके पूर्वजों को नेपाल के राजा ने एक लाल और एक काले रंग की मोहर दी थी। यह मामूली मोहर नहीं है, आज भी मनमोहन के पास यह मोहर मौजूद है। इस मोहर के जरिए राजवंशीय परंपरा के पुरोहित साल में एक बार नेपाल जाकर राजा से सोना, चांदी, अनाज, यहाँ तक कि जमीन भी ले सकते हैं। पौराणिक समय से जो नेपाल है वो सदैव से हम उनके पुरोहित रहे हैं, और हमारे पास नेपाल के पौराणिक वंश के द्वारा जो राजा वंश है, पौराणिक राजा वंश के द्वारा हमारे पास उनके द्वारा दी गई 2 मोहरें हैं, जिसको एक तो लाल मोहर, दूसरी एक काली मोहर। हमारे पास जो हमारा विजिटिंग कार्ड है उस पर भी अंकित है तमाम नेपाल के पुरोहित। तो नेपाल जो है वो तमाम हमारे पास इसीलिए है क्योंकि हमारे पास राजा ने अथॉरिटी दी है लाल मोहर को काली मोहर के रूप में, जिसके अंतर्गत हम लोग अगर चाहें तो हर वर्ष जाकर के राजा जी के राजकीय कोष से जो भी उसके अंदर लिखित के अंदर हमें उन्होंने सुविधाएं दी हैं, जैसे कि अन्न है, जैसे कि ज़रूरत का सामान है, जो भी भोजन की सामग्री है, जो भी उसके अंदर मौजूद है पुरानी काल से हमारे पास वो मौजूद है, और उसके कारण हम लोग लाल और काली मोहर वाले नेपाल के पुरोहित जो हैं हमें यहाँ पर बुलाया जाता है। पुरोहित मनमोहन और एक अन्य पंडित जोशी जी ने बताया कि पिंडदान के पीछे भी एक रोचक कहानी है। पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था। युद्ध के बाद पांडव चैन से सो रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें युद्ध में मारे गए अपने परिजनों का श्राद्ध और पिंडदान करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने पेहोवा की धरती पर युधिष्ठिर व अन्य पांडवों से उनके परिजनों का पिंडदान करवाया। हजारों बरस से चली आ रही यह परंपरा आज भी जारी है। तो जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था तो उनमें कौरव वंश का समूल नाश हो गया था, तो उसके बाद इनको राज तिलक मिला। राज तिलक मिलने के बाद सोते हुए इनको रात में स्वप्न आया। उनके वो पूर्वज बोले कि आप तो मस्ती में पड़े हो और हमारी गति नहीं है, हम भटकते फिर रहे हैं, हमारी गति कौन करवाएगा। तब श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी को लेके यहाँ पृथ्वीदत्त तीर्थ पर पहुँचे थे। उस समय सरस्वती पूर्ववाहिनी थी, पूर्ववाहिनी तो अब भी है लेकिन अब लुप्त हो चुकी है। पानी इसका कहीं कहीं पे मिलता है, प्रॉपर एक जगह चलता, उस समय चलती थी। तो उनके हाथ से कृष्ण भगवान जी ने यहाँ बैठकर इस धर्म धरती पे पिहुआ पे उनके हाथ से
पंचों भाइयों के हाथ से पिंडदान करवाया, तब से ये प्रथा चल रही है। तो इसको अमूमन आप कह सकते हैं लगभग 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। मनमोहन ने एक खास बात और भी बताई, उनके पास हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भी वंशावली का रिकॉर्ड है और वे उनके पुरोहित हैं। 13 अक्टूबर 2017 को स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनके पास आए थे और वही में अपने हस्ताक्षर किए। मनोहर लाल खट्टर साहब जो यहाँ पर आए थे, यहाँ पर वो तीर्थों का भ्रमण करने के लिए यहाँ पर आए थे, और जब हमें मालूम हुआ कि खट्टर साहब अपना पुरोहित जो है उनसे मिलने के इच्छुक हैं, तो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हमारे सीएम साहब हैं, तो हमने फिर जाकर के उनको उनके पुरोहित होने के नाते उनके वंशावली दिखाई, और वंशावली दिखा करके उनके जो नए नाम थे वो सब के सब हमने लिखे, और वो यहाँ पर किस कारण से आए वो लिखे। फिर बाकायदा उन्होंने अपने बही के अंदर सिग्नेचर भी किए जो अभी हमने आपको दिखलाए हैं। तो इस प्रकार से वो बड़े ही सज्जन और बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो अपने पुरोहित में, धर्म में और हिंदू संस्कृति के अंदर विश्वास रखते हैं। कम से कम 100-125 साल से उनका पारिवारिक जो है वंशावली हमारे पास यथास्थिति के अंदर मौजूद है। हमारे पास पुराने भी उनके नाम, जितने भी उनके बुज़ुर्गों के नाम, वो सब के सब हमारे पास हैं। ये सब के सब उन्हीं के पुराने नाम, उन्हीं के बुज़ुर्गों के नाम, उनकी जो भी पारिवारिक नाम है, चाहे उनकी बिरादरी के नाम है, उनके कोई ताया चाचे जो भी परिवार हैं, सब के सब हमारे पास दर्ज हैं। गुरदासपुर से अपने ताया जी का पिंडदान कराने आए एक युवक ने बताया कि 10 दिन पहले उनके ताया जी का निधन हो गया था, अब उनका पूरा परिवार यहाँ उनका पिंडदान करवाने आया है। हमारे ताया जी थे, उनकी देहांत हो चुका था आज से कुछ 10 दिन पहले, तो जो परंपरा हमारी चलती है उसकी गति करवाने के लिए ताया जी की आए हैं। तो ये उनके बड़े बेटे हैं, साथ में बेटा है उनका और उनकी वाइफ है, तो हम सारे उनकी गति करवाने के लिए आए हैं जहाँ पर बैठे हैं। वहाँ बरसों से जो हमारी जो परंपरा ऐसा चलता है, हमारे दादे आता थे, पिते आते थे, तो सभी ऐसा चल रहा है। पहले हरिद्वार जाते हैं, उनके बाद जो गति करवाने के लिए आते हैं। तो जहाँ पिहोवा इस तरह की रोचक किस्से और धार्मिक कहानियों से अटा हुआ है, चाहे यहाँ का कार्तिक मंदिर हो या फिर पशुपतिनाथ मंदिर। आज हमने आपको पिहोवा की पिंडदान की कहानी बताई, फिर कभी पिहोवा की किसी और कहानी के साथ।